नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। मेरे साथ यह समाचार। फिरोजाबाद थाना सिकोहाबाद के माधवगंज पेट्रोल पंप दबंग सपा नेता ब्रजेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप के पास भाजपा प्रचार वाहन खड़े करने को लेकर पेट्रोल पंप मैनेजर ने प्रचार वाहन चालक मनीष के साथ मारपीट कर दी। सपा नेता की पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ी थी गई थी, तभी से सपा नेता बौखलाए हुए हैं। उसके क्षेत्र में भयंकर आतंक है, उसके डर से आसपास के लोग भय और आतंक का जीवन जीते हैं। आज उसके मैनेजर ने दिन दहाड़े भाजपा प्रचार वाहन के चालक को पिटवा कर ये दिखाने का प्रयास किया है कि उसके आतंक का कोई मुकाबला नहीं है कर सकता। सूचना पर पुलिस भाजपा नेता मौके पर पहुंच गई। मैनेजर पुलिस को देख भाग गया। पुलिस प्रचार वाहन और चालक को थाने ले गई है। देखिए हमारे संवाददाता विजय बघेल की यह रिपोर्ट फिरोजाबाद यूपी से। मनीष, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? सर, मैं ये प्रचार प्रसार की गाड़ी चलाता हूँ और मैं गाड़ी लाके यहाँ पे लगाया रोड के साइड में और प्रचार अपना शुरू किया, तो पेट्रोल पंप के मैनेजर आए, बोले कि गाड़ी के साथ कौन है। तो मैंने कहा कि सर मैं हूँ, क्या बात है बताइए। तो वो आके हमको मार दिए और उल्टी सीधी गाली देने लगे, बोले यहाँ गाड़ी क्यों लगा दिए। तो हमने कहा सर कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं गाड़ी साइड में कर लूँ। तो वो मार दिए मुझे और उसके बाद चले गए और गाली वाली उल्टा सीधी देने लगे सर हमको। मारपीट की आपके साथ? हमको मारे हैं। किसने मारा है? पेट्रोल पंप के मैनेजर ने।